नमस्कार दोस्तों एलिमेंट्रीज क्लास में आपका स्वागत है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले सिंगल नोड आर्किटेक्चर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड डिजाइन कांस्टेंट तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क की सभी वीडियोस देखनी है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप सारी विडियोज को एक्सेस कर सकते हैं इससे प्रीवियस वीडियोज भी और इससे आगे आने वाली वीडियोज भी ठीक है तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो सिंगल रोड का आर्किटेक्चर जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में जो हमारी नोड यूज होती है ना उसका आर्किटेक्चर की बात करेंगे आज हम उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स कम्पोनेट्स की बात करेंगे ठीक है करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो सिंगल लोड आर्किटेक्चर को जानने से पहले हमें वायरलेस सेंसर नेटवर्क का पता होना चाहिए तो ब्रीफली जान लेते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क कैसे काम करता है तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में हमारा ये सेंसर फील्ड होता है ठीक है जहां पर हमने अपनी सेंसर नोट जो ये ब्लैक ब्लैक है ना इनको डिप्लॉय किया होता है तैनात किया होता है बिछाया होता है सेंसर नोट ठीक है और ये गेटवे के थ्रू जो कि हमारा डिवाइस होता है ब्रिज की तरह काम करता है इंटरनेट से कनेक्ट होती है और यहाँ पे मैनेजमेंट नोट पे कनेक्ट होती है जहां पे सारी जो नेटवर्क है उसकी मैनेजमेंट की जाती है इंजीनियर्स के द्वारा ठीक है तो जो अपनी ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना आपको ब्लैक सेंसर नोट सही इसका आर्किटेक्चर करने वाले आज हम इसका आर्किटेक्चर ठीक है इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेट है इसमें डिजाइन कौन का मतलब होता है बाधाएं कौन कौन सी बाधाएं हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं ठीक है इसका करने वाला तो शुरू करते हैं तो ये अपना सिंगल नोड आर्किटेक्चर तो इसमें देख सकते हैं आप सिंगल नोड आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है पांच कॉम्पोनेट है अपने मेन हार्डवेयर कॉम्पोनेंट जो कि हमारा कंट्रोलर है सेंसर एक्चुएटर है ठीक है मेमोरी यूनिट है एक एक कम्युनिकेशन डिवाइस यूनिट है एक पावर सप्लाई है तो सेंसर नोड का हार्डवेयर कॉम्पोनेट है हमारे सिंगल नोड आर्किटेक्चर के ठीक है अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी अ सिंगल नोड आर्किटेक्चर इन अ वायरलेस सेंसर नेटवर्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सेंसर नोड दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स इसने कहा है कि सिंगल नोड आर्किटेक्चर में जो कॉम्पोनेट्स होते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में जो सिंगल नोड होती है उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर कॉम्पोनेट्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कंट्रोलर जो कि हमने अभी पीछे डायग्राम में भी देखा था माइक्रो कंट्रोलर और अ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा ठीक है मेकिंग डिसीजन एंड कंट्रोलिंग द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द नोट तो कंट्रोलर ही हमारा जो मेन कोर कह सकते हैं हम हर्ट कह सकते हैं अपने नोड uh, का होता है जो क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है ठीक है डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा जो किसके लिए जिम्मेदार है डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिसीजनस लेने के लिए कंट्रोलिंग द अदर की डेटा को हमें भेजना है कहा नहीं भेजना है स्टोर करना है क्या करना है तो सारा काम कंट्रोलर का होता है जो नोट अपनी नेटवर्क में उनको कंट्रोल करना है तो जो कहते हैं जो नोड है उसके अदर कॉम्पोनेट्स को अगर कंट्रोल करना है तो वो काम भी अपना कंट्रोलर का ही होता है ठीक है तो एक सिंगल नोड में जो भी जितने भी कॉम्पोनेट्स है सारे कॉम्पोनेट्स को कंट्रोल कौन करता है कंट्रोलर ये सिंगल नोड की बात हो रही है ठीक है सभी नोट्स में ऐसे ही कंट्रोलर होते हैं तो वो अपने अपने नोट्स को कंट्रोल करते हैं ठीक है फिर आते हैं सेंसर्स 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 एक्चुएटर्स की बात ठीक है डिवाइस दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द क्या होते हैं जो एनवायरमेंट से अपना डेटा को कलेक्ट करते हैं ठीक है एंड और कंट्रोल फिजिकल प्रोसेसेस और एक्चुअटर्स क्या होते हैं जो कंट्रोल करते हैं जो, जो एक्शन लेते हैं मान लीजिए हमने कुछ सेंस किया डेटा को अब हमें उसको क्या करना है कंट्रोल करना है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो काम कौन करेगा एक्चुएटर करेगा जो कि एक्शन परफॉर्म करेगा फिजिकल ठीक है दे कैन इंक्लूड टेम्परेचर सेंसर जैसे टेम्परेचर सेंसर हो सकते हैं लाइट सेंसर हो सकते हैं एक्सेलरिटर एंड देर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंसर ठीक है, 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 है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही ठीक है तो थर्ड हमारा सेकेंड uh, हमारा जो यूनिट थी वो सेंसर एक्चुएटर वाली हो चुकी है कंट्रोलर हो चुकी है अब थर्ड पे आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस अब वायरलेस ट्रांसीवर ट्रांसीवर क्या होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है वो ट्रांसीवर होता है ट्रांसमीटर जो डेटा को सेंड करता है रिसीवर जो डेटा को रिसीव करता है सच्चे से जिगबी और आर एफ मॉडल जिगबी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ठीक है जिगबी क्या होता है अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो कि शॉर्ट रेंज के लिए हमारा यूज होता है ठीक है या फिर हम आर एफ मॉडल का आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए दैट नोड टू कम्युनिकेट विद अदर नोड्स और अ सेंट्रल कंट्रोल यूनिट तो जो क्या कहता है हमारा जो एक नोड से दूसरे नोड को कम्युनिकेशन होता है जो संचार होता है दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का वो किसकी किस, किस वजह से होता है आर की वजह से रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से या फिर जिगबी नेटवर्क की वजह से ठीक है कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना और जो हमें डेटा भेजना है सेंट्रल नोड पर सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम पे तो वो भी हमारा इसी के माध्यम से होता है अब आते हैं फोर्थ में मेमोरी ठीक है वोलेटाइल डिवाइस सच एस फ्लैश मेमरी और ई पी रोम दैट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स ठीक है तो मेमरी का यूज होता है नॉन वोलेटाइल क्या के अगर बैटरी को आप रिमूव भी कर दें तब भी वो स्टोर रहेगी ठीक है तो तब भी डेटा मेमरी में स्टोर रहेगा वो नॉन वोलेटाइल होती है ठीक है सच एस फ्लैश मेमरी है वो कौन कौन सी मेमरी हो सकती है फ्लैश मेमरी या फिर ई पी रोम ई पी रोम का क्या फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी इसकी फुल फॉर्म होती है ठीक है इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहे तो अलग से पढ़ सकते हैं

डिजाइन कॉन्स्टेंट्स के कॉन्स्टेंट का हिंदी में मतलब होता है अपना बाधाएं तो जो डिजाइन बनावट होती है अपनी सिंगल और उसमें क्या बाधाएं हैं क्या चुनौतियां हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या पावर कंजप्शन लिमिटेड बैटरी लाइफ इज मेजर कॉन्स्टेंट तो हम जानते हैं कि जो सेंसर नोड होती है उसमें जो बैटरी होती है उसकी लिमिटेड होती है तो वो एक मेजर कॉन्सटेंट है बहुत बड़ी बाधा है ठीक है सो पावर एफिशियंसी इज क्रिटिकल तो पावर एफिशियंसी जो होती है उसकी वो सही नहीं होती क्रिटिकल होती है ठीक है कॉस्ट तो कोस्ट में क्या कह रहे हैं जो सेंसर नोट्स हैं वो क्या होने चाहिए मस्ट जरूरी होने चाहिए सस्ते होने, होने चाहिए ठीक है महंगे नहीं होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम एंड डिप्लॉय इन लार्ज नंबर ताकि उनको लार्ज नंबर में हम डिप्लॉय कर सके तैनात कर सके ठीक है या फिर ज्यादा नंबर में तैनात करने पर भी महंगे नहीं पड़ने चाहिए बहुत बड़ा इसमें क्या कॉन्स्टेंट है साइज एंड वेट सेंसर सेंसर स्मॉल, 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 पॉसिबल चाहिए। मतलब जितने लाइट जितने वेट हो सकते हैं ठीक है फॉर इजी डिप्लॉयमेंट एंड मोबिलिटी मतलब आसानी से तैनात करने के लिए फिर मोबिलिटी मोबिलिटी का मतलब क्या होता है गतिशील ठीक है छोटे से छोटे होने चाहिए अपने नोड्स

कम्युनिकेशन रेंज लिमिटेड कम्युनिकेशन रेंज में लिमिट द ओवरऑल कवरेज एंड फंक्शनिटी ऑफ द नेटवर्क तो जो सेंसर नोड्स होते हैं जो उनकी रेंज होती है वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए ठीक है तो उनकी कवरेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए ज्यादा से ज्यादा डेटा को भेज पाए ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर पाए तो ये अपने क्या थे डिजाइन कॉन्स्टेंट थे बाधाएं थी ठीक है ये अपना सिंगल नोड का आर्किटेक्चर था ये बेसिक आर्किटेक्चर है अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं इस आर्किटेक्चर में जो कि हमारे जो नोड है उसकी लोकेशन को फाइंड करने के यूज किया जा सकता है या फिर पर पावर जनरेटर भी यूज कर सकते हैं ठीक है जो कि पावर, पावर अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो पावर जनरेट करके दे सके ठीक है, है या फिर मोबाइल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं मोबाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारी सेंसर नोड है वो मोबाइल गतिशील रहे कि वो अपने आप से मूव कर सके अगर उसको कहीं टारगेट एरिया मूव करना है तो लेकिन अगर हम ये कॉम्पोनेंट और एड करते हैं इसमें तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन क्या है उस आधार पर ही हम इन कॉम्पोनेट्स को एड करते हैं ठीक है तो यही था हमारा सिंगल नोड आर्किटेक्चर का टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो सके अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं मैं नहीं पढ़ा रहा आप उनकी हेल्प कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा ठीक है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दू वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है और अदर वीडियोज को आप प्ले से एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉरो वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगेन